दोस्तों, अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा ट्रू कॉलर के बारे में जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहला पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर ही दिख जाता है। अगर आप यहाँ देख सकते हो, किसी को चेक करना चाहते हो कौन सा व्यक्ति कब बात किया, यानी अभी बिजी है या नहीं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा MNS Jio में, और यहाँ लिखा हुआ है लास्ट सीन स्टार्टे, और अजय जियो भी इसमें देख सकते हो लास्ट सीन 8:20 AM, यानी कि अभी सुबह के 8:20 AM पर, तो यानी कि इन्होंने अभी 8:20 AM पर बात करा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी बिजी रहेगा तो यहाँ जो ग्रीन डॉट है यहाँ पर रेड हो जाएगा, और यहाँ लिखा होगा ऑन अ कॉल, जहाँ लास्ट सीन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी का भी स्टेटस पता कर सकते हो, कौन अभी बिजी है दूसरे कॉल पर, कौन किसने कब बात किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल फीचर है। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हो अभी अभी ये जो मंगला आर्ट है यहाँ पर ऑनलाइन आ चुके हैं, लिखा हुआ है ऑन अ कॉल, यानी अभी कहीं बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका ये लास्ट स्टेटस ना दिखे कि आपने कब बात किया था या आप बिजी हैं या नहीं, तो इसको आप बंद कर सकते हो। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा ऊपर, और यहाँ नीचे सेटिंग दिखेगी तो इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ से सबसे नीचे देख सकते हो प्राइवेसी सेंटर, इस पर क्लिक करें, और यहाँ जो है अवेलेबिलिटी, यहाँ इसे ऑफ कर दें। तो अब आपका स्टेटस कोई नहीं चेक कर पाएगा। तो ध्यान देना होगा कि अगर आप ये बंद कर दोगे तो आप भी किसी का स्टेटस चेक नहीं कर सकते, तो इससे यही है। तो अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप बंद कर सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ एक दिखा देता हूँ दूसरा फीचर। तो यहाँ पे आपको किसी भी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होगा, जैसे मैं अजय जियो पर कर देता हूँ, यहाँ जो आई लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस का फीचर आ चुका है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से अलाउ कर दें। तो यहाँ से अलाउ करने के बाद मैं आपको चाहता हूँ, बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ फ्री में किसी को भी बात कर सकते हो जो ट्रू कॉलर यूज करता होगा। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप ऊपर जो लेफ्ट साइड में थ्री कॉर्नर दिखेगा, थ्री लाइन दिखेगी कॉर्नर के, तो वहाँ क्लिक करना होगा, और यहाँ देख सकते हो लोकल सर्विसेज, तो इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ से आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का नंबर हो गया, एयर एम्बुलेंस एंट्री रहेगी, चाइल्ड हेल्पलाइन, गैस हेल्पलाइन, किसान सेंटर, मेडिकल, पुलिस, टूरिस्ट हेल्पलाइन, वुमेन पुलिस हेल्पलाइन। तो इस तरीके से आपको यहाँ बैंक बैलेंस चेक करने का नंबर मिल जाता है। तो काफ़ी सारा नंबर दिया हुआ है, DTH बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरलाइन, इंडियन रेलवे, कुरियर, होटल का भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ काफ़ी सारे नंबर्स चेक कर सकते हो, जो भी आपको यूजफुल हो, जिसकी भी आपकी ज़रूरत हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये सारे फीचर्स, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये कुछ खास फीचर्स थे जो कि बहुत ही यूजफुल थे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। तो दोस्तों, आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।